नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम पुरुषों में पाई जाने वाली इनफर्टिलिटी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इम्पोटेंसी के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा ये वीडियो दो टॉपिक को कवर करेगा। एक तो अगर आपको फिजिकल कंप्लेंट रहती है, आप इंटरकोर्स नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर इरेक्शन नहीं आता है, इरेक्शन की कमी रहती है, या आपका सीमन बहुत पतला हो गया है, उसके अंदर स्पर्म काउंट कम हो गए हैं या नील हो गए हैं, या आपको बहुत जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, अगर ये समस्याएं आपके साथ हैं तो आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज एक ऐसी होम्योपैथिक दवाई के बारे में हम बात करेंगे जिसे यौन शक्ति बढ़ाने वाली दवाइयों का राजा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, दवाई का नाम है नूफरलुटियम। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। आज इस मेडिसिन के एक एक लक्षण को बहुत गहराई से आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर इस मेडिसिन के साथ में आपके लक्षण मिल रहे हैं तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके केवल 2 महीने के प्रयोग से आपकी सेक्सुअल समस्याएं हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, नूफरलुटियम होम्योपैथिक मेडिसिन का सबसे पहला सिम्टम्स है अनचाहा डिस्चार्ज। इस कंडीशन को स्पर्मोटोरिया भी कहते हैं। यदि आपकी इच्छा के बिना ही सीमन निकलना शुरू हो जाए, वो चाहे रात में सोते समय या पेशाब करते समय या सोच करते समय अगर आपका सीमन खुद ब खुद निकल जाता है, तो ये नूफरलुटियम होम्योपैथिक दवाई का सबसे पहला लक्षण है। जब भी आप पेशाब करते हो, पेशाब के साथ में चिपचिपा पदार्थ निकलता है, या हर समय अपने आप थोड़ा थोड़ा करके चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है, ऐसे में आपको बेहद कमजोरी आ सकती है। इसका प्रभाव आपके बालों पर भी पड़ सकता है। आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, बाल समय से पहले सफ़ेद होने लगेंगे, आपकी दाढ़ी की ग्रोथ ठीक से नहीं होगी, बहुत ज़्यादा सीमन का लॉस होने से चेहरा पिचक जाएगा, आँखें अंदर की तरफ धंस जाएंगी। तो दोस्तों, इन लक्षणों को ठीक करने के लिए नूफरलुटियम को लिया जा सकता है। नूफरलुटियम स्पर्मोटोरिया की सबसे अच्छी दवाई है। नूफरलुटियम का दूसरा लक्षण, अगर आपके अंदर सेक्स की इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उसके साथ साथ आपके प्राइवेट पार्ट में बिल्कुल भी तनाव नहीं आता है, आपके अंडकोष और आपका प्राइवेट पार्ट पूरी तरह रिलैक्स हो गए हैं, पूरी तरह ठंडे पड़ गए हैं, आपने बहुत तरह की अंग्रेजी दवाइयां खा ली हैं, बहुत तरह की आयुर्वेदिक दवाइयां खा ली हैं, जब तक आप दवाई खाते हो आपको आराम मिलता है, लेकिन अब तो दवाइयों ने भी काम करना बंद कर दिया है। इस कंडीशन में आप नूफरलुटियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फीमेल पार्टनर पास में बैठ जाती है, टच करती है, फिर भी इच्छा नहीं होती, अंगों में कोई उत्तेजना नहीं आती, अंग बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं, ऐसी कंडीशन में आप नूफरलुटियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 3, नूफरलुटियम का आप इस्तेमाल कर सकते हो एजोस्पर्मिया के केस में। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का स्पर्म काउंट बिल्कुल 0 हो गया है, बिल्कुल नील हो गया है, स्पर्म बिल्कुल पानी की तरह हो गया है, उसने अपना चेकअप कराया है, उसमें 0 स्पर्म आया है, इसके लिए नूफरलुटियम इज ए वेरी गुड रेमेडी। अगर स्पर्म काउंट लो है, 20 मिलियन से भी कम चला गया है, तो भी नूफरलुटियम सबसे अच्छी दवाई है। इसके साथ साथ अगर आपके सीमन की क्वालिटी खराब है, यानी कि स्पर्म तो हैं लेकिन स्पर्म में चलने की ताकत नहीं है, स्पर्म कमजोर हैं, उनके हेड, उनकी पूंछ ठीक से विकसित नहीं हो पाए हैं, उनके अंदर मूवमेंट की कमी है, तो इस कंडीशन को भी ठीक करने के लिए आप नूफरलुटियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नूफरलुटियम का चौथा लक्षण मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी पेशेंट का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो गया है, तो उसकी वजह से भी ये सब सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी में भी नूफरलुटियम को लिया जा सकता है। 2 महीने के प्रयोग में ही आपको शानदार रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके अंदर इच्छा की कमी है, या आपको स्पर्मोटोरिया है, बिना आपके चाहे ही वीर्य निकलता है, या आपको इरेक्शन की कमी रहती है, इच्छा की कमी रहती है, तो एक बार आप अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जांच कराएं। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कम है तो नूफरलुटियम उसके लिए बेस्ट है। दोस्तों, सभी डॉक्टर्स नूफरलुटियम की 0 पोटेंसी यानी कि मदर टिंचर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने जो असर 6 पोटेंसी का देखा है वो मदर टिंचर में नहीं मिलता, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नूफरलुटियम को 6CH में लीजिए। एक तो ये मदर टिंचर से आपको सस्ता मिलेगा, क्योंकि नूफरलुटियम का मदर टिंचर काफ़ी महंगा आता है, ऐसे में अगर आप 6CH में लेंगे तो ये आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। दूसरा, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। नूफरलुटियम 6CH को आप 10-10 बूंदें दिन में 3 बार
आधे कप पानी में डाल के लीजिए। दोस्तों जहाँ पर नोफर्दोटियम मदर टिंचर का रिजल्ट आपको 8 से 10 दिन में दिखाई देता है, वहीं पर नोफर्दोटियम 6CH का रिजल्ट आपको दूसरे दिन से ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आप सभी प्रकार की दवाइयाँ लेके देख चुके हैं, आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो एक बार नोफर्दोटियम को भी आजमाएं। 15 दिन के प्रयोग के बाद में अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं या कम रिजल्ट मिलते हैं, तो आप एक बार होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलके परामर्श कर लें। अगर आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो जो नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आप मुझे आपका नाम, आपकी उम्र, आपका मैरिड स्टेटस और कितने समय से आपको प्रॉब्लम है, ये सब डिटेल लिख कर भेजें। दोस्तों यदि कोई कपल प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहता है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से 80-90% चांस हैं कि इसके लिए पुरुष ही जिम्मेदार है। केवल 10-20% ही चांस होते हैं कि महिलाओं में कोई दिक्कत है, उन्हें अंडा नहीं बन रहा है, लेकिन 80-90% चांस होते हैं पुरुषों में कमजोरी के। तो अगर आप में कोई कमजोरी है, अपनी कमजोरी को बिल्कुल ना छिपाएं, और होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मौजूद है। आप होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल सकते हैं, वे आपको आपके लक्षणों के अनुसार बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपको मेरा नमस्कार।